अच्छा, बाज दफा ये भी होता है कि माँ बाप की दुआएं साथ नहीं थी तो वो चीज आगे कामयाब नहीं हो सकी, ये भी कुछ लोग फ्रेज बनाते हैं, कुछ लोग परसेप्शन रखते हैं, और हकीकत भी है शायद इसमें। अच्छा देखो, मेरा मानना ये दो फैक्टर्स है शादियों के मामले में। कोई शक नहीं है कि बुजुर्गों की दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोई काम करते हुए जुल्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, जुल्म क्या हो सकता है? बाज औकात आपकी अच्छी खासी एक एंगेजमेंट हुई हुई है, आपने उस एंगेजमेंट की वादा, एक एंगेजमेंट एक वादा है, बिल्कुल कमिटमेंट है, और उस एंगेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी, और धज्जियां उड़ाते हुए आप सबकी इज्जत को, सबकी वादों को, सबके मुंह मलैजे को, सबको आपने रोदा और आपने कहीं शादी कर ली। ठीक है, अब वो जो दिल दुखे, अल्लाह के बंदो, वो जो आंसू भरे, पे ऑफ करना, वो जो तकलीफ सबने उठाई, वो जो वादा वफा ना हो सका, कभी तो उसको भी तो गेज किया जाना है ना। तो बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो अपने फैसलों के वक्त में माल असबाब तो थोड़ा इकट्ठा करते हैं, दुआएं ज्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, और उनकी दुआएं इतनी कीमती होती हैं, इतनी खूबसूरत दुआएं होती हैं कि उनके पास फूटी कोड़ी नहीं होती, लेकिन वो दुआएं। मैं एक वाक्या तुम्हें सुनाना चाहूंगा। जरूर। अच्छा, मैं अब ये जाती मिसालें भी अब इसलिए देने लग पड़ूं कि बाज मिसालें बड़ी इफेक्टिव होती हैं। मेरी शादी थी, जाती वाक्या पुरानी बात, 100 साल पुरानी बात लगती है। तो मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरी, क्योंकि उनसे मैं पूछ के मशवरा करके चलता था, तो उन्होंने मेरी एक असाइनमेंट लगाई। अच्छा। मैंने कहा जी वो असाइनमेंट, उन्होंने कहा जी एक ऑर्डर है मेरा। मैंने कहा जी जनाबे वाली बताई। उन्होंने कहा यार जितना मेहमान आएगा सबसे दुआ लेनी, कुछ ऐसा जरूर करना है कि उनसे दुआ निकले। नंबर टू, जितने लोग तुम्हारी खुशी में शामिल हो रहे हैं उनको खुश करके भेजना। ठीक। वो बच्ची हैं, वो फैमिली के लोग हैं, वो कुछ हैं, नहीं जी अब शादी की तैयारियां शुरू। अच्छा, वो जमाना मैं कहता हूँ स्ट्रगलिंग का जमाना था, तो अंदाजा लगाओ कि वो तमाम लवाजमात मैंने पूरे करने। अब शादी ये नहीं है कि मेरी शादी है, अमूमन दूल्हा अपनी तैयारी शुरू कर रहा हो, मैं उन तमाम लोगों की तैयारियां भी कर रहा हूँ। मुझे आज याद है, मेरी फैमिली का कोई बंदा सुन रहा हो तो वो कहेगा वाकई सही कह रहे। अब अंदाजा लगाओ कि मैं अपने उस फंक्शन के बाद हिसाब किताब कर रहा था जब, तो मेरे पास ढेर दुआएं थी। अच्छा। बेशुमार वेल विशर्स की दुआएं थी, बेशुमार लोगों की मोहब्बतें थी जो मेरी कुल कमाई थी, और वो कुल कमाई जो मोहब्बतें मुझे मिली, मैं समझता हूँ कि बाद की जिंदगी में बड़े काम आती हैं। हम लोग बड़ा सितम करते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं, हम अपनी बड़ी बड़ी खुशियों में लोगों की छोटी छोटी खुशियों को रोन देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि ये जो मेरे शादियाने बाज रहे हैं, या मेरी झंडियां लगी हुई हैं, या मेरी बत्तियां लगी हुई हैं, या मेरी खुशी है, इस खुशी से किसी गरीब की खुशी रोंदी तो नहीं जा रही। अगर आपकी खुशियों से आपसे मुंसलिक लोगों की जिंदगी में खुशी नहीं गई, अगर आज साहब जी की शादी, साहब जी की मेहंदी, साहब जी के किसी फंक्शन, या साहब जी के बेटे की सालगिरह से उनके साथ जुड़े हुए मुलाजिम के घर में कोई केक नहीं गया, खुशी नहीं गई, छोटी सी खुशी नहीं गई, खाना नहीं गया, बिल्कुल हम नजर नहीं रखते, हम एहसास नहीं करते। लोग ब्रेक से जब शाहजी हम वापस आएंगे तब हम बात करेंगे एहसास पर, रवैये पर, और इस रवैये को किस तरह बेहतर बनाया जाए कि लाइफ में जो है आपको प्रॉब्लम्स अगर आए भी तो अगला आपको देखते साथ आपके रवैये की वजह से अपने आप को बदल ले। कह रहे थे जिंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के हवाले से। शाहजी मुझे बताइए कि आप अगर आपका सलूक, जैसा हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपका सलूक अच्छा होना चाहिए, आपका सलूक में एक चीज होनी चाहिए कि लोगों के दिल को वो खुश कर दे, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए? आप अपने सलूक को किस तरह लेवल को कैटेगराइज करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, कैसे? देखिए, अगर आप कदरदानी नहीं जानते, यार रिश्तों की कदर बड़ी जरूरी है, लोगों की कदर बड़ी जरूरी है। सब है तो हम है, सब नहीं है ना तो हम भी नहीं है। जब आप कदरदानी की तरफ आते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आपकी एक छोटा सा आपका काम, छोटा सा वैल्यू देना, छोटी सी वैल्यू एडिशन, वो बड़ा एक इनकलाबी कदम होता है। हम लोग ना छोटे छोटे काम करने नहीं सीखते। दुनिया में बाज़ लोगों को ना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया नहीं चाहिए होता, उनको हाथ कंधे पे रखने की सिर्फ जरूरत उनकी होती है। दुनिया में बाज़ लोगों को ना कोई बड़ा सा कोई लॉटरी निकलने की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आपकी जुबान से कि यार तुम कमाल इंसान हो, इतना सा जुमला चाहिए होता है। ये जो चाय बनाने वाला ना, इसको इसको कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं चाहिए, इसको किसी दिन इतना सा जुमला चाहिए कि मैं उसे कह दूं कि यार तुम चाय बड़ी अच्छी बनाते हो। हम ये छोटे छोटे काम नहीं कर रहे होते। आप आज से अपनी जिंदगी में अपने साथ जुड़े हुए लोगों के छोटे छोटे उनको मैसेज देना शुरू कीजिए, दिल से, दिल की अता गहराइयों से उनकी अहमियत को वसूल महसूस कीजिए
कि यार ये सब हैं तो हम हैं, उनको कदरदानी दीजिए, उनको वैल्यू दीजिए, उनको उनको मोहब्बत से कभी देखिए। बाज़ औक़ात ना कोई चेहरा आपकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रहा होता है, कितने दिनों से इंतजार करता है, और वो आपको देख के ना आपकी मुस्कुराहट को देख के मुस्कुराने लग पड़ता है। दुनिया में तजर्बे हैं, ट्रेन के डब्बों में तजर्बे करके देखेंगे, एक चेहरा मुस्कुराता हुआ डब्बे में एंटर हुआ, अच्छा। उसने दूसरे की तरफ देखा मुस्कुराते हुए, दूसरे ने तीसरे की तरफ देखा, वो ट्रेन से उतरा दो स्टॉपों के बाद पूरा डब्बा मुस्कुरा रहा है। अच्छा शाह जी, इसमें ये कमाल की बात है, आजकल आप भलाई करो ना किसी पे तो वो आपको उल्टी भी पड़ जाती है। आप किसी को मुस्कुरा के देखते हो ना, अगला सोच में पड़ जाती है मुझे मुस्कुरा के क्यों देख रहे, कोई पीछे मकसद तो नहीं है, कोई मकासद तो नहीं। ये भी एक चीज़ है। दो बातें देखो, एक बात तो ये है कि हमें अच्छा मुस्कुराना भी नहीं आता, हमें बाज़ औक़ात ना हमारी मुस्कुराहट बड़ी मशकूक होती है, एक मुस्कुराहट 100 मानी दे सकती है। सही, आप वो मुस्कुराना सीखें जिससे किसी की तकलीफ कम हो। मैं एक बड़ा करीब का वाकया मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मैं दो दिन पहले ना एक एयरपोर्ट पे था, वो क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट का एयरपोर्ट था और ऑड एरिया था, यानी जहां पर इतनी ज्यादा फ्लाइट्स भी नहीं होती, तो एक एएसएफ का एक जो है एक सब इंस्पेक्टर, बूढ़ा उम्र उसकी ज्यादा, मोटा और थका हुआ, थका मांदा वहां बैठा हुआ था। मैं वीआईपी लाउंज में था, तो मैं मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो हमने उसे जाते ही पूछा उनसे कि चाय कहां से मिल सकती है। अच्छा, उस बेचारे इतना वो अका थका था कि उसको एकदम से लगा कि शायद ये मुझसे चाय मांग रहे हैं। अच्छा, तो उसने कहा जी मैं आपको चाय बनाने वाला लगता हूँ। अच्छा, तो मैंने उसे वजाहती जुमला बोला कि अफसरो आप तो हमारे अफसर हो, आपसे तो हम नहीं चाय का कह सकते, सिर्फ आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई चाय वाला कोई बंदा हमें मिल सकता है। अच्छा। तो उसका थोड़ा सा बर्डन कम हुआ। अब उसको एक गिल्ट हुआ कि मैंने अंडरस्टैंड गलत किया, तो मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मेरी जो ग्रूमिंग हमारे उस्तादों ने की कि यार ये भी किसी को तकलीफ, गिल्ट में भी नहीं रहने देना। तो थोड़ी देर के बाद जब चाय वाला आया तो मैंने उसे कहा 3 कप चाय ले आओ। अच्छा, वो 3 कप चाय आ गई, एक उसके लिए भी थी ना, तो हम तीनों ने चाय पी और उससे मैंने हाल अहवाल पूछा और उसके फैमिली के उसके घर के बारे में थोड़ी सी बातें, उसका बर्डन कम किया कि यार उसको तकलीफ में नहीं रहने देना। हमने नजफ छोटे छोटे काम नहीं सीखे होते, किसी का जैसे एक वजनी बोझ उठा के कोई माई बुढ़ी जा रही होती है तो आप देखते हो ना, तो उसकी कांपती टांगे आपको ख्याल आता है इसका बोझ ही कम कर दूं। अल्लाह के बंदो, लोगों के भी बोझ कम किया करो, बाज बोझ दिख नहीं रहे होते लोगों ने उठाए होते हैं, वो शक के बोझ हो सकते हैं, वो गिल्ट के बोझ हो सकते हैं, वो मैं छोटा बड़ा हूँ, साहब जी बड़े बड़े हैं, ये बड़ा बोझ है आप किसी पे कि यार मैं बड़ा हकीर इंसान हूँ। आप कभी किसी को गले लगा के देखिए, कभी किसी को पास बुला के देखिए, कभी किसी को चाय की प्याली में शामिल करके देखिए, और जहां ये आपका जुमला कि गले ना पड़ जाए, खुदा के बंदो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के लिए करना है, उसके लिए थोड़ा करना है, वो तो मखलूक खुदा है, उसके पास तो एक एक छोटी सी मशीन है दिल, जिससे दुआएं निकल के अर्श पे जाती हैं। अच्छा, ना भी जाए वो अर्श वाला तो देख रहा है कि यार आपने किसी पे नेकी की है, तो कीड़ी पे भी नेकी की है, चूचे पे भी नेकी की है, मेरा मालिक उसका भी सिला देता। ऐसा ही है। अच्छा शाहजी, कुछ देर पहले हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि लोग आप पे क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बर्दाश्त करना होता है क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही आप आगे बढ़ते हो, लेकिन बाज़ औक़ात उस क्रिटिसिज्म की एक लिमिट होती है, इंसान एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है। कोई उस पर जुल्म करे, कोई तनकीद का निशाना बनाए, कोई बुरा भला कहे, कोई किसी का जीना हराम कर दे, बुरा कर दे कि उसका सांस भी ना निकले, उस चीज को, उस सिचुएशन को किस तरह डील किया जाए, किस तरह अपने आप को संभाला जाए। अच्छा देखो, हर बंदे की ना बर्दाश्त की कैपेसिटी डिफरेंट है। बिल्कुल। कुछ लोगों की बर्दाश्त की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों की बर्दाश्त की कैपेसिटी बड़ी कम होती है। कैसे मेजर किया जाए? पता लग जाता है इवेंट्स पे, वाकयात पे। ठीक है, कि किसी भी वाक्य पे मिसाल लो, कोई कह रहा हो कि मेरी बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी नहीं। एक दफा तुम याद करो, एक वाक्य याद करते कि मैंने पानी मांग लिया, पानी नहीं आया, मैं बड़ी देर इंतजार कर रहा, उसके बाद मैंने फिजिकली यहाँ से उठ के चला गया, रिकॉर्डिंग थी उस दिन, और मैं उठ के जाके मैंने वहां से पानी खुद लिया और मैं वापस आ गया, तो मैनेजमेंट को पता लगा कि शायद सर माइंड कर गए। मैंने आगे से मुस्कुरा के कहा नहीं, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त रखता हूँ, मैंने अपने आप को भी कहा ये तो कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात जिंदगी बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल आपके सामने रख देती है, मम्मे सामने रख देती है, आपको हल करने होते हैं, तो आपकी क्या मजाल कि आप उफ कहें। आप अगर उफ कहें तो ये तो ज्यादती है, आपको तो वहां एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप बर्दाश्त होती है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है बर्दाश्त नहीं हो। अच्छा, कि आप थके हारे मांदे हुए बुरे हाल में अक्के थके पड़े। इसके साथ मैं एक थोड़ी सी एडिशन कर लूं शाहजी, कि आप ना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए, आपको किसी ने बस पिंच करना है, उसने इतनी मजीद बात नहीं की लेकिन उसने हल्का सा पिंच कर दिया, आप फट पड़े। घरों में बड़ा कॉमन होता है, हमारे भाई जो उनसे दफ्तरों से, फैक्ट्री से, काम से, मामला से अक्के थके आते हैं,
आगे बेगम को नहीं पता होता कि बेचारे को कितनी मार पड़ी आज, कितना बेचारा ख्वार हुआ है। वो घर आता है और जैसे ही वो घर आता है तो आगे से एक और हमला हो जाता है और वो हमलावर जोन सा वो अपनी बीवी होती है, उसको अंदाजा ही नहीं होता कि ये बेचारा अल्लाह का बंदा कितना बेचारा तकलीफ उठा के आया। तो एक तो मैं एक सबक बताना चाहूंगा, एक छोटा सा लेसन अपनी बहनों को कि खुदारा घर आने वाले को कभी उसको इत्मीनान से सुना करे, उसको पानी का ग्लास पेश कर दिया करें, उसको जूते उतारने दिया करें, उससे बड़े तहमुल से पहले उससे पूछा करें कि सब खैर खैरियत है। आपकी वो जो चंद लम्हे है ना पैम्पर करना, देखिए ना मिसाल लीजिए होटल में भी अगर आप एंटर हुए और ठग से को आपके सामने मेन्यू मारता है और कहता है दसों की खाना, तो आप तो खा ही नहीं सकेंगे। होटल में क्या मिलता है? वो आपको सर कहता है, वो पैम्पर करता है, वो मेन्यू रखता है, मेन्यू के बाद वो आपसे बातचीत करता है, हाल अहवाल पूछता है, आप खाना शुरू करते हैं, आप अंदाजा लगाएं उसको टिप मिलनी है, ये उसकी कस्टमर केयर में शामिल है। वो खाने में इंटरप्ट करता है कि एक्सक्यूज मी सर, आपको खाना कैसा लगा? अच्छा। खाना सूट अच्छा है, ठीक है, आपको पसंद आया, कोई कमी तो नहीं है, ये एक अच्छा होटल है, फाइव स्टार। ठीक हजूरी वाला, फाइव स्टार होटल से ऊपर एक दर्जा है और वो है घर। घर फाइव स्टार होटल से बहुत ऊपर की चीज है, उसमें जो आपको फाइव स्टार होटल में केयर मिलती है वो पेड केयर होती है, आप उसका मुआवजा दे के तो उसके बदले में केयर आपको मिल रही होती है। जो आपकी आपको उस घर में केयर मिलती है फाइव स्टार होटल से ज्यादा होनी चाहिए, उसमें मोहब्बत खलूस शामिल होता है, उसमें कोई कस्टमर नहीं है, हस्बैंड इज नॉट अ कस्टमर, वाइफ इज नॉट अ कस्टमर, घर में आने वाला। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला मैं सुनाना चाहूंगा, वासिफ फरमाते हैं कि अगर अपना घर सुकून का बायस ना बने तोबा का मकाम है, कुछ गलती जरूर हुई है, घर तो होता ही तो सुकून के लिए, अगर अपने घर में सुकून नहीं मिल रहा तो गलती है, कहीं कोई ऐसी गलती है जिसको आपने नजरअंदाज किया, तो खुदारा रुकिए, रिन्यू कीजिए, तौबा कर लीजिए, गलती को मान लीजिए।